जैसे आप सभी को पता है नीट एग्जाम के अंदर ब्यूरोक्रेसी ने जिस प्रकार से पेपर बेचा है, जिस प्रकार से विद्यार्थियों का भविष्य बेचा है, ये देख सकते हो कितनी बुरी स्थिति हो गई है। आज नीट का विद्यार्थी पहली बार एक कोई कंपटीशन की या कुछ एग्जाम देता है, नीट की एग्जाम देता है एडमिशन लेने के लिए, उसी के अंदर उसका भविष्य बेच दिया जाता है। ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी हो गई, अपने भाई भतीजा चाचा के लड़के उनको फायदा पहुंचाने के लिए पेपर को लीक करवाते हैं। पूरे देश का एग्जाम है, राष्ट्रीय एनटीए एग्जाम करवा रहा है। एनटीए को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, युवा जो पढ़ने के लिए आया है पूरे साल भर तैयारी करता है, 3-3 साल तक तैयारी करता है, ड्रॉप करता है, उसके बाद में एग्जाम देता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता कहाँ पर भी पूरे देश के अंदर जहाँ पर भी युवाओं के साथ और विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हमेशा लड़ने के लिए खड़ा है। मेरी केंद्र सरकार से और एनटीए से और सभी एजेंसियों से और सभी सरकारों से मांग है कि आप इसकी सीबीआई जांच कराएं, इसके अंदर जो भी अधिकारी लुप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। विद्यार्थी परिषद की यही मांग है, सीबीआई जांच हो और युवाओं को न्याय मिले। जय हिंद जय भारत। रोहित मीणा, इकाई अध्यक्ष, रास्ता विश्वविद्यालय।